नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है ए जी रेशो। इसमें ए होता है एल्ब्यूमिन, जी होता है ग्लोबुलिन और रेशो मींस एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन हैं उनके बीच में आपस में किस अनुपात में वो होते हैं नॉर्मली, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ए सीरम एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन ए जी रेशो टेस्ट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट। ये क्या है? यदि हम कहें कि ए जी रेशो टेस्ट कराना है हमें, तो एक तरह का ये क्या है? ब्लड टेस्ट है। इट मेज़र द रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो ये बताता है, द टू मेन प्रोटीन इन ब्लड। अब जो एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है वो क्या है? ब्लड की दो मुख्य प्रोटीन हैं, तो इनके बीच में जो रेशो बताता है वो ही होता है ए जी रेशो टेस्ट। देन द ए जी रेशो इज डेराइव फ्रॉम द टोटल प्रोटीन टेस्ट। टोटल प्रोटीन टेस्ट से ये लिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड। अब ए जी रेशो टेस्ट को और हम क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं टोटल सीरम प्रोटीन, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो। अब हम जानते हैं कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन के बारे में। विच हेल्प्स कीप ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से ये ब्लड के बाहर जो लीक होता है उसको रोकता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में ही ब्लड को मेंटेन करके रखता है। क्या चीज़? एल्ब्यूमिन। इट ऑल्सो हेल्प मूव हार्मोन, मेडिसिन, विटामिन्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट सबस्टेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करता है? मूव करता है, मूव करने में सहायता करता है। किस किस को? हार्मोन को, मेडिसिन को, विटामिन को और भी जो इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस हैं वो थ्रू आउट द बॉडी ये उसको मूव करने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन इज मेड इन द लीवर। कहाँ पर बनता है एल्ब्यूमिन? ये बनता है लीवर में। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन क्या है? विच हेल्प फाइट इन्फेक्शन। ग्लोबुलिन क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी सहायता करता है। एंड मूव न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको थ्रू आउट द बॉडी मूव करता है। सम ग्लोबुलिन्स आर मेड बाय द लीवर। कुछ जो हैं वो लीवर के द्वारा बनते हैं। अदर्स आर मेड बाय द इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा और ग्लोबुलिन बनते हैं। तो ये हमने जान लिया एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बारे में। अब हम जानेंगे नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो क्या होता है। इन जनरल एन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो बिटवीन क्या होता है? 1.1 एंड 2.5 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। 1.1 से 2.5 माना जाता है नॉर्मल। ऑल्दो दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब ये वेरी भी कर सकता है कंडीशंस के हिसाब से। दैट इज़ बिकॉज देयर इज बिट मोर एल्ब्यूमिन देन ग्लोबुलिन इन सीरम प्रोटीन। क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ग्लोबुलिन की बजाय सीरम प्रोटीन में। अब हम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो टेस्ट है वो मेनली किस सिम्टम्स के जब आते हैं पेशेंट के शरीर में तो करवाते हैं। तो ये सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं जिनमें कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि आप ये एजी रेशो टेस्ट कराइए। तो पहला है स्वेलिंग इन द फीट। पैरों में सूजन आ रही है, एंकल में सूजन आ रही है, लेग्स में आ रही है और एब्डोमन में, विच इज़ कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा फ्लूड इन योर टिश्यू। जो पेशेंट के टिश्यू हैं उनमें एक्स्ट्रा फ्लूड की वजह से ये हो सकता है कि उसकी फीट में स्वेलिंग आए, एंकल में, लेग में या एब्डोमन में। तो ये सिम्टम है तो हम ए जी रेशो टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट है थकान रहना, बहुत ज़्यादा थकान रहना उस कंडीशन में। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, एकदम से अचानक से वेट लॉस हो गया है उसमें। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना उसमें। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है उस कंडीशन में। जॉन्डिस, येलोइश ऑफ द स्किन और आइज, दिस इज कॉमन सिम्टम ऑफ लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में जो कॉमन सिम्टम है वो क्या होता है? स्किन और आई में येलोनेस। तो जॉन्डिस में हम करा सकते हैं ए जी रेशो टेस्ट, डॉक्टर सलाह दे सकता है हमें। ब्लड इन द यूरिन, ए कॉमन सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज। तो किडनी डिजीज में
जो यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर हमको सलाह दे सकते हैं कि आप ये कराइए। तो ये सिम्टम्स में अधिकतर बोलते हैं कि एजी रेशो टेस्ट कराइए, स्वेलिंग इन फीट, एंकल, लेग और एब्डोमन, फटिग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जॉन्डिस एंड ब्लड इन यूरिन। देन हम पढ़ेंगे टोटल प्रोटीन लेवल बर लो, इट मे मीन वन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यदि टोटल प्रोटीन एक व्यक्ति का लो है तो इसका मतलब उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, लीवर डिजीज हो सकती है उसको, किडनी डिजीज हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है और माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम उसको हो सकता है। इफ टोटल प्रोटीन लेवल वर हाई, यदि बहुत ज़्यादा होते हैं, इट मे मीन हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोटीन लेवल लो हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि टोटल प्रोटीन लेवल यदि ज़्यादा है तो क्या क्या कंडीशंस में हो सकता है। तो ये हो सकता है इन्फेक्शन सच एज HIV और वायरल हेपेटाइटिस, मल्टीपल माइलोमा, ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब हम सारी कंडीशन धीरे धीरे पढ़ेंगे कि लो एल्ब्यूमिन किस वजह से होता है, किन कंडीशंस में हो सकता है, हाई एल्ब्यूमिन किस कंडीशंस में होता है, लो ग्लोबुलिन किस कंडीशन में होता है और हाई ग्लोबुलिन किस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा कम होना, ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन कॉज लो एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, एक कंडीशन कॉल्ड हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। तो जब ब्लड में किसी के एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो एल्ब्यूमिन इज इन्फ्लामेशन, जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। ड्यूरिंग एन इलनेस और इंजरी ह्यूमन बॉडी फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोटीन इन्वॉल्व विद द इम्यून सिस्टम सच एज सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो यदि ह्यूमन बॉडी में कोई भी इलनेस या इंजरी होती है तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम एक तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन और CRP। लीवर डिजीज में भी लो एल्ब्यूमिन होती है, लीवर डिजीज ऑल्सो ए बिग फैक्टर, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या है, लीवर में बनता है। सो एनी डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द लीवर, कोई भी बीमारी जो कि लीवर को प्रभावित करती है लाइक सीरोसिस में रिड्यूस एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। सम अदर हेल्थ कंडीशन देन कैन रिड्यूस एल्ब्यूमिन है क्रॉनिक इलनेस एंड इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन, गट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है प्रोटीन का, जैसे कि सीलियक और क्रॉन्स डिजीज में होता है, किडनी डिजीज हो रही है, हार्ट फेलियर है, एक्सटेंसिव बर्न है, ओबेसिटी है, इन कंडीशंस में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, क्रॉनिक इलनेस एंड लीवर डिजीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट आता है हाई एल्ब्यूमिन। हाई एल्ब्यूमिन किस कंडीशन में होता है, पहली बात तो जो हाई एल्ब्यूमिन है मे बी साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन का, डायरिया हुआ है तो उसका हो सकता है। नेक्स्ट लो ग्लोबुलिन लेवल में भी ए साइन ऑफ लीवर डिजीज का हो सकता है, किडनी डिजीज का हो सकता है। मैनी फैक्टर दैट लोअर ग्लोबुलिन लेवल कैन ऑल्सो लोअर एल्ब्यूमिन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबुलिन के लेवल को कम करते हैं तो वो एल्ब्यूमिन के लेवल को भी कम करते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, किडनी डिजीज है। दीज कंडीशंस आर लेस लाइकली टू अल्टर द एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो बिकॉज लोअर बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन एट सिमिलर रेट, क्योंकि क्या हो रहा है इस कंडीशन में एल्ब्यूमिन भी कम हो रहा है और ग्लोबुलिन भी कम हो रहा है, तो इसलिए रेशियो जो होता है वो अल्टर कम होता है इसमें। हाउएवर फ्यू फैक्टर लोअर ओनली ग्लोबुलिन, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो केवल ग्लोबुलिन को ही कम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है जेनेटिक डिफेक्ट्स कैन कॉज ए डिसऑर्डर कॉल्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से एक डिसऑर्डर होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी विच डिसरप्ट द बॉडीज एबिलिटी टू क्रिएट एंटीबॉडी। तो उसमें क्या है, बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट नहीं कर सकता, इम्यूनो ग्लोबुलिन जो है वो क्रिएट नहीं करता। दिस कंडीशन दस लोअर टोटल ग्लोबुलिन लेवल, इससे टोटल जो ग्लोबुलिन लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। लो ग्लोबुलिन लेवल कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। यूजुअली जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है उसमें एजी रेशियो ऑफ वन और लेस
इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, मीन्स उसको माल न्यूट्रिशन है। हाई ग्लोबुलिन लेवल में भी साइन ऑफ, हाई ग्लोबुलिन लेवल किसका साइन हो होता है इसमें, कोई ब्लड कैंसर हो जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, हॉडकिंग डिजीज़, ल्यूकेमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज सच ल्यूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीज, लीवर डिजीज, सम टाइप ऑफ कैंसर, सम ड्रग्स सच एज एमियोडेरोन यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इरेगुलर हार्ट बीट। द इम्यूनोग्लोबुलिन ए कॉमन टाइप ऑफ ग्लोबुलिन ऑल्सो नॉन एज एंटीबॉडीज, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कॉमन टाइप का ग्लोबुलिन है जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, बाइंड टू पैथोजन एंड फॉरेन मटेरियल टैगिंग देम फॉर इम्यून सिस्टम टू अटैक। तो ये क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को बाइंड कर लेता है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में, फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट में काम कर सके। ह्यूमन बॉडी नेचुरली प्रोड्यूसेस मोर एंटीबॉडीज ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन हायर ग्लोबुलिन लेवल। तो जब इन्फेक्शन होता है तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, नेचुरली एंटीबॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबुलिन जो लेवल है वो हाई हो जाता है। हाई ग्लोबुलिन लेवल आर ऑल्सो कॉमनली सीन इन पीपल विद क्रॉनिक लीवर डिजीजेस लाइक सीरोसिस में भी ये ज़्यादा होता है। द लीवर ब्रेक्स डाउन एक्सेसिव ग्लोबुलिन एंड इवेंचुअली एलिमिनेट इट फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, लीवर ब्रेक करता है एक्सेस ग्लोबुलिन को और ये बाहर एलिमिनेट होता है। लीवर डिजीज कैन रिड्यूस दिस एबिलिटी टू रिमूव ग्लोबुलिन। लीवर डिजीज में क्या होता है कि ये जो ग्लोबुलिन है वो रिमूव होने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, एंड दीज प्रोटीन्स कैन बिल्ड अप इन द ब्लड और ये ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लो एजी रेशो। लो एजी रेशो किस में होता है, ए लो एजी रेशो कुड इंडिकेट एल्ब्यूमिन लेवल आर टू लो और ग्लोबुलिन लेवल आर टू हाई। एल्ब्यूमिन लेवल तो क्या है, बहुत कम है, और ग्लोबुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो रेशो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई ग्लोबुलिन इंडिकेट इन्फ्लामेशन एंड इम्यून सिस्टम एक्टिविटी। ए लो ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो इज एसोसिएटेड विद ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो जो लो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो होता है उससे क्या हो जाता है, जो कैंसर है उसके होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल ए लो एजी रेशो रिजल्ट इज एसोसिएटेड विद किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, क्रॉनिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, माल न्यूट्रिशन, पेंक्रियाटाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्टेन कैंसर, लीवर कैंसर, मल्टीपल माइलोमा एंड अदर ब्लड हीमेटोलॉजिकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज। हाई एजी रेशो किस में होता है, हाई एजी रेशो, हाई एल्ब्यूमिन कंसनट्रेशन कैन बी कॉज्ड आइदर बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन बाय द लीवर, लीवर द्वारा एल्ब्यूमिन का ज़्यादा प्रोडक्शन, व्हेन फ्लूड सीरम लेवल आर टू लो। व्हेन ए हाई एजी रेशो इज कॉज्ड बाय हाई एल्ब्यूमिन लेवल दिस कैन बी ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन। तो जो एल्ब्यूमिन लेवल हाई हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन और डायरिया की वजह से, बट कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है। ए हाई एजी रिजल्ट माइट आल्सो इंडिकेट लो लेवल ऑफ ग्लोबुलिन। हाई एजी का मतलब ये भी हो सकता है कि ग्लोबुलिन की कमी आ रही है, विच आर फाउंड इन पीपल विद एंटीबॉडी डेफिशिएंसी मीनिंग ए वीकन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसमें ग्लोबुलिन लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से हाई एजी रेशो हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एजी रेशो, आज इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।